न्याय की बात करें आ, पिछले क्लास में हमने न्याय की कुछ बेसिक बातें आपको बताई थी हमें पढ़ना है रॉल्स लेकिन रॉल्स का न्याय समझने के लिए कुछ बेसिक बात जरूरी है कि न्याय है क्या रॉल्स का न्याय हम बाद में पढ़ लेंगे और कई बार तो आजकल तो जीएस में भी सोशल जस्टिस बिना न्याय के मामला चलता नहीं तो न्याय की पूरी शुरुआत और न्याय का विचार आया कैसे अगर हम देखें तो आप याद रखिए यूनानी युग में भारत के प्राचीन दौर में इन न्याय का जो पहला विचार आया उसमें ये माना गया कि समाज में सामंजस्य होना ये अपने आप में न्याय है और कहा गया कि प्रकृति में न्याय संतुलन सामंजस्य अपने आप होता है जैसे आप देखेंगे नेचर प्रकृति में एक स्वाभाविक सा सामंजस्य दिखेगा संतुलन दिखेगा शरीर शरीर में भी अगर संतुलन ख़राब हो जाए तो बीमारियां हो जाती है यानी कहा भी जाता है अगर समाज में अन्याय हो गया तो इसका मतलब समाज में भी समाज की बीमारी क्या है गरीबी निरक्षरता विषमता ये समाज की बीमारियां हैं वैसे शरीर की बीमारी होती है तो प्लेटो ने जब न्याय का विचार दिया था तो प्लेटो ने कहा था न्याय पूरी प्रकृति में है तो आप देखेंगे सूर्य पूरब में सूर्योदय होता है सनसेट शाम को होता है इसमें एक संतुलन है समुद्र के जल स्तर में लगातार एक संतुलन है और कई बार अब देखेंगे यही संतुलन हमारे शरीर में है जो प्रकृति में है इसे न्याय का विचार क्या है प्राकृतिक न्याय का विचार क्या है प्राकृतिक है सामाजिक है नैतिक है इसलिए पहले माना गया क्या करें अरे पूछने की बात है यार तो पहले न्याय का विचार कहा गया कि न्याय का मतलब क्या है नैतिक है प्राकृतिक है यानी न्यायपूर्ण समाज के लिए जो पहली अपेक्षा थी कि व्यक्ति न्यायपूर्ण होना चाहिए अब कहा गया समाज कैसे न्यायपूर्ण होगा तो समाज की मूल्य का ही क्या है व्यक्ति जब तक व्यक्ति न्यायपूर्ण नहीं होगा तब तक समाज न्यायपूर्ण नहीं होगा इसलिए आप देखेंगे यूनानी युग में जो न्याय का विचार आया उसमें या प्रारंभिक रूप में भारत के जो न्याय का विचार आया उसमें समाज में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने के लिए व्यक्ति का न्यायपूर्ण होना बड़ा आवश्यक है जब तक व्यक्ति न्यायपूर्ण नहीं होगा तब तक समाज में न्याय नहीं होगा क्योंकि समाज किन से मिलकर बनता है व्यक्तियों से तो कहा जाता है कि न्याय का मतलब है सामंजस्य समन्वय तो व्यक्ति के और व्यक्ति के बीच समन्वय होना चाहिए व्यक्ति के अंदर भी सामंजस्य समन्वय होना चाहिए तो यहीं से न्याय का विचार नैतिक रूप में सामाजिक रूप में आगे बढ़ा लेकिन बाद में देखा गया कि हर व्यक्ति नैतिक हो जाए हर व्यक्ति अपने नैतिकता के अनुसार कंसाइंस के अनुसार जीवन जिए ऐसा संभव नहीं है क्योंकि आधुनिक युग के साथ तर्क और विवेक का महत्व तो बढ़ने लगा जैसे आधुनिक युग आया तो फिर तर्क का और विवेक का महत्व तो बढ़ने लगा तो नैतिकता से पूरे समाज का संचालन पहले भी कठिनाई थी आज भी कठिनाई है हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि हर व्यक्ति महात्मा गांधी बन जाएगा हर व्यक्ति मदर टेरेसा बन जाएगा या हर व्यक्ति अन्ना हजारे बन जाएगा तो हमने ये सोचा कि क्यों नहीं एक व्यवस्था बनाई जाए इसलिए आधुनिक युग में ये कहा गया कि न्याय का मतलब है नैतिक होना नहीं बल्कि न्याय का मतलब हो गया कि आधुनिक विधि और संविधान का निर्माण करना यानी कुछ नियम बना लीजिए कुछ नियम बना लीजिए कुछ कानून बना लीजिए और ये नियम कानून क्यों जरूरी है क्योंकि आधुनिक समाज में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ देना है और हम ये बात आपको याद दिलाते हैं अरिस्टोटल का विचार कंपेरिजन कर देंगे अरिस्टोटल जैसे विद्वान ने ही बात कह दिया कि न्याय वितरण का नाम है जस्टिस इज एसेंशली क्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो न्याय में वितरण किया जाता है आखिर वितरण क्या किया जाए मतदान का अधिकार वितरण क्या किया जाए संवैधानिक पद तो किसको राष्ट्रपति का पद मिले किसको न्यायाधीश का पद मिले किसको सिविल सेवक का पद मिले ये सब डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल है वितरण के उदाहरण है तो जब हम कहते हैं न्याय न्याय का मतलब है विधि और संविधान के द्वारा अभी मराया गया कि समाज तार्किक हो गया तो व्यक्ति का नैतिक जीवन संभव नहीं रहा और व्यक्ति के बजाय व्यवस्था के बनाने की बात आई तो पूरी दुनिया में यहीं से संविधानों का निर्माण हुआ विधि का संहिताकरण हुआ तो अब यह हुआ कि समाज विधि और संविधान से चलेगा विधि और संविधान के लिखने की पूरी प्रवृत्ति आधुनिक है पहले समाज में विधि नहीं था संविधान नहीं था तो समाज का संचालन कैसे होता था नैतिकता से और नैतिकता कहीं न कहीं धर्म में परंपराओं में प्रथाओं में पाई जाती थी तो अब न्याय के यानी न्याय का मूल मर्म एक ही है कि समाज में सामंजस्य समाज में संतुलन और कभी अब देखें किसी सामान्य वैद्य के पास आप जाइए तो बड़ी अच्छी बात बताते हैं अगर आप उनसे पूछे शरीर में ऐसी बीमारी है तो उनका ये उत्तर होगा कि आपके शरीर में संतुलन ख़राब हो गया है तब उनसे पूछे किस बात का संतुलन तो वात पित्त और कफ का किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाइए और कहीं हमें ये समस्या है कहीं ये विटामिन कम है वो विटामिन कम है ये ज़्यादा है ज़्यादा हो जाना तो समस्या कम हो जाना तो समस्या तो न्याय क्या है सामंजस्य न्याय सामंजस्य संतुलन है तो शरीर में कुछ एलिमेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो भी समस्या हो जाती है तो बीमारी है शरीर में कुछ एलिमेंट कम हो गए तो भी बीमारी पैदा हो जाती है इसलिए बात कही कि आधुनिक युग में विधि और संविधान का निर्माण किया गया लेकिन पर्पज़ एक है समाज में सामंजस्य बनाया जाए समाज में संतुलन बनाए रखा जाए और इसलिए कहा भी गया प्लेटो से पूछा गया न्याय क्या है तब उनका सभी व्यक्ति को उसका हिस्सा दे देना न्याय है गिविंग एवरीबडी हिज ड्यू यानी हर व्यक्ति का समाज में हिस्सा है अब कैसे तय किया जाए कि समाज में क्या किसका हिस्सा है तो अरस्तु ने कहा कि जो जैसा योगदान करे वैसा उसे दे, दे देना न्याय है तो इसलिए यहाँ से धारणा बनी कि समाज में जो प्रभावी लोग हैं जो ज्यादा काम करते हैं उनको ज्यादा योगदान मिलना चाहिए जो बड़े पद पर है उनका योगदान ज्यादा होना चाहिए और जो छोटे पद पर है उनका योगदान कम होना चाहिए इसलिए ये न्याय है जिसे कहा गया आनुपातिक न्याय कि अनुपात में चीजें दी जाए और इसीलिए कहा भी गया आधुनिक युग में जब वितरण की बात आई आप याद रखिए न्याय के साथ वितरण का गुण हमेशा जुड़ जाता है समाज में हम सामंजस्य कैसे करेंगे जब कुछ चीजों का वितरण करेंगे अब वितरण किया किसका किया जाए पद का प्रतिष्ठा का पुरस्कार का यह वितरण है डिस्ट्रीब्यूशन है तो अब समाज में इन चीजों का वितरण कैसे किया जाए इसके लिए बड़ी माथा रही वितरण के लिए प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए परिणाम लेकिन धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़े तो फिर यह आया कि न्याय में केवल वितरण का मतलब है केवल राष्ट्रपति का पद नहीं सिविल सेवा नहीं प्रशासन नहीं वितरण में सामाजिक संसाधनों का भी वितरण होना चाहिए जमीन का मकान का रोजगार का व्यवसाय का इसका मतलब है वितरणकारी न्याय अरेस्टोटल जितना पुराना है लेकिन वितरण का आधार क्या हो और किसको कितनी चीज मिले इस बात पर मत अंतर रहा है इस बात पर दृष्टिकोण में अंतर रहे हैं इसलिए अब आधुनिक युग में विचार आ गया कि वितरण किसका करिए आधुनिक युग में फिर यह बात आगे बढ़ी कि वितरण हम किसका करें सामाजिक संसाधनों का सोशल और इकोनॉमिक रिसोर्सेस का सामाजिक और आर्थिक संसाधनों का वितरण किया जाए तो यहां पे न्याय की धारणा किससे आ गई कि डिस्ट्रीब्यूशन करिए वितरण करिए अब न्याय का विचार वितरण से आ गया सामाजिक आर्थिक संसाधन अब सामाजिक आर्थिक संसाधन में इसलिए आप देखेंगे भूमि सुधार क्या है न्याय जमींदारी उन्मूलन न्याय यानी भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन इसलिए जब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट इन बेतों बातों को पढ़ता है तो उसका सैद्धांतिक मतलब लेता है केवल ये मतलब नहीं कि हमने भूमि सुधार कर दिया केवल हमने किसी को जमीन दे दी बल्कि हम समाज में डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं और इसलिए न्याय का मतलब क्या है रीडिस्ट्रीब्यूशन भ समाज में पहले से ही ज़मीनें बटी हुई हैं संपत्ति बटी हुई है लेकिन हो सकता है वो बंटवारा कुछ लोगों के विशेष पक्ष में जाए वो बंटवारा कुछ लोगों के लिए ज़्यादा लाभप्रद हो जाए इसलिए कहा गया कि समाज में जो वर्तमान डिस्ट्रीब्यूशन है जो वर्तमान वितरण है वो ठीक हो ऐसा जरूरी नहीं है इसलिए न्याय का विचार यहाँ पर किया गया कि केवल वोट देने से बात नहीं बन जाएगी क्योंकि अब देखेंगे पहले जो मतदान का अधिकार किसको था जो संपत्तिशाली था महिलाओं को मतदान का अधिकार था ही नहीं इसका मतलब वितरण कहीं ना कहीं गड़बड़ था वितरण ठीक नहीं था तो वितरण अधिकारों का ज्यादा था वितरण विधि का ज्यादा हो गया सभी विधि के समक्ष समान हो गए अब जो सामाजिक आर्थिक विषमता है सभी विधि के समक्ष समान होने का क्या मतलब है तो वितरण किसका किया जाए वितरण हम अधिकार का कर दें वितरण हम किसका कर दें <shoo> <varied> मतदान का या वितरण किसका करें संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा का तो जैसे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह विचार आगे बढ़ा और बड़े सारे सामाजिक न्याय के विचारक आए तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वितरण संपत्ति का होना चाहिए संपत्ति का वितरण करिए और सामाजिक व्यवस्था में जो विषमताएं हैं उनको क्रमिक रूप में समाप्त करिए और इसीलिए आप देखेंगे वितरण किसका है कहीं गेहूं का कहीं चाय का कहीं गैस गया, सिलेंडर का कहीं साइकिल का तो अब ये सब सामाजिक संसाधनों का वितरण होने लगा शिक्षा का स्वास्थ्य का ये डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है पहले डिस्ट्रीब्यूशन किसका किया गया वोट का मतदान का अब डिस्ट्रीब्यूशन किसका किया जा रहा है शिक्षा का स्वास्थ्य का इसलिए भारत में जो कल्याणकारी राज्य आया ये वितरणकारी न्याय ही तो है पूरी दुनिया में जो कल्याणकारी राज्य का विचार आया ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ही तो है यानी जस्टिस का मतलब क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन वितरण करिए या जो वितरण है वो हो सकता है सामंजस्यपूर्ण हो लेकिन वितरण का आधार क्या है ये बात हम आगे आपको आपको बता देंगे कि वितरण का आधार क्या होना चाहिए क्या मानदंड है तो ये बात आ गई कि वितरण किया जाए लेकिन फिर उसमें लास्ट वाले एक अप्रोच आया जो वितरण से सहमत नहीं है ये न्याय का विचार कैसे आ गया है सामंजस सा, सामंजस्य हो जाए संतुलन हो जाए सामंजस्य संतुलन कैसे हो जाए नैतिक होके फिर का निर्माण किया जाए और सामंजस्य संतुलन के लिए ये भी जरूरी है कि संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में केंद्रीकृत न हो इसलिए आप देखेंगे हमेशा न्याय का विचार डिस्ट्रीब्यूशन से ही जुड़ा हुआ है और न्याय का मूल उद्देश्य क्या है कि समाज में सामंजस्य लाना संतुलन लाना मूल उद्देश्य बदला नहीं न्याय का जो बेसिक पर्पज है वो समाज में एक जैसा है अब मैकेनिज्म अलग अलग आते चले गए कभी नैतिकता कभी वैधानिकता कभी संपत्ति लेकिन कुछ लोग आए जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं देखिए वितरणकारी न्याय नहीं है न्याय में वितरण करना ये अपने आप में न्याय का गुण नहीं है तो न्याय में क्या होना चाहिए वितरणकारी नहीं पूरी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की पुनर्संरचना जब तक आप पूरी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की पुनर्संरचना नहीं करेंगे तब बात नहीं बनेगी रिस्ट्रक्चरिंग और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की संरचना का यहां दो मतलब आ गया इसका मतलब है पूंजीवाद का विनाश और नारीवादियों ने कहा पित्र सत्तात्मक सत्ता की समाप्ति इसे नारीवादी जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं जो रेडिकल लोग हैं वो कहते हैं कि वितरण से काम नहीं चलेगा क्योंकि जो वितरणकारी व्यवस्थाएं हैं वो ठीक नहीं है भाई वितरण करने वाले लोग ही तो है वितरण करने का प्रशासनिक मशीनरी है लेकिन जो वितरण करने वाले लोग हैं वितरण करने की प्रशासनिक मशीनरी है वो ठीक नहीं है वो न्यायपूर्ण नहीं, नहीं है इसलिए कहा कि नहीं पूरा जो मार्क्सवादी और नारीवादी और खास तौर पर मार्क्सवादी और नारीवादी ये मानते हैं कि वितरण से काम नहीं चलेगा क्योंकि सामाजिक न्याय का मतलब है समाज का उपचार करना सामाजिक न्याय का मतलब समाज का उपचार करना तो उपचार किसका किया जाता है जो बीमार है और अगर समाज में पुरुषों का प्रभाव ज्यादा है तो ये बीमार समाज का एग्जाम्पल है नारीवादियों ने कहा अगर समाज में कुछ लोगों के हाथों में संपत्ति है तो यह किसका एग्जाम्पल है बीमार समाज इसलिए वितरण से काम नहीं चलेगा पूरी सामाजिक व्यवस्था बदलिए इसलिए कहा भी जाता है कि मार्क्सवादी न्याय क्या है रेमेडियल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस उपचारवादी न्याय का विचार है मार्क्सवादी न्याय का विचार क्या मानता है उपचारवादी रेमेडियल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस यानी रेमेडी की आवश्यकता है तो आप देखेंगे धीरे धीरे चीजें बदल गई वैसे कहने को तो मार्क्सवादी और नारीवादी मानते हैं कि न्याय में उपचार किया जाए पुनर्संरचना की जाए इनके हिसाब से पूंजीवाद के ध्वंस ध्वंस होने के पहले न्याय नहीं मिलेगा इसका मतलब है कि मार्क्सवादी मानते हैं पूंजीवाद नहीं रहेगा राज्य नहीं रहेगी सरकार नहीं रहेगी लेकिन ऐसा न्याय कहीं व्यवहारिक रूप में मिल नहीं पाया इसलिए चाइना चाइना भी तो मार्क्सवादी राज्य है अपने आप को दावा करता है तो चाइना में वितरण होता है नहीं होता है इसलिए रेमेडियल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस रेडिकल ज़्यादा है व्यवहार में कहीं नहीं आ पाया व्यवहार में जो न्याय का विचार है वो कैसा है वो अपने आप में वितरणकारी ही है अब वितरण के वहां तरीके अलग हो जाते हैं व्यवस्थाएं अलग हो जाती हैं इसलिए अब देखेंगे जब हम रॉल्स के न्याय तक की बात करेंगे तो रॉल्स के न्याय की चिंता क्या है डिस्ट्रीब्यूशन अब बताइएगा रॉल्स की न्याय की चिंता क्या है डिस्ट्रीब्यूशन या पुनर्संरचना अब आप जरा सोच के देखिए न्याय में आधुनिक अधिकार और मतदान का वितरण कौन करना चाहेगा उदारवादी या समाजवादी संपत्ति सामाजिक आर्थिक संसाधनों का वितरण कौन करना चाहेगा वितरण कैसे हो लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से या क्रांति के द्वारा तो क्या इसी वितरण को रीडिस्ट्रीब्यूशन कहा जाए इसलिए सामाजिक न्याय का मतलब है पुनर्वितरण सामाजिक न्याय का मतलब क्या है किसी चीज को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करिए और सामाजिक न्याय का मतलब इंक्लूजन भाई रिच डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करना चाहते हैं क्योंकि समाज के वंचित वर्गों को इसमें शामिल करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन किसके फेयर फेवर में होनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो इस बात पर मतान्तर आएगा इसे न्याय का मूल विचार जो अरिस्टोटल से था वही आज तक है इधर पर अरेस्टोटल में बेंथम में रॉल्स में फ़र्क है और तीनों का हम कंपेरिजन बता देंगे लेकिन पहले ये समझ लें न्याय का मतलब क्या है एक अभी एन सी आर टी आप पढ़िएगा उसमें न्याय की बातें बड़ी बारीक तरीके से लिखी गई हैं और पहले यही विचार आता है पहले मूलभूत बातें बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि न्याय क्या है न्याय का विचार क्या है तो इसका मतलब एक अभी तक हमने जो न्याय का मतलब समझा वो क्या है वितरण न्याय का पहला मतलब हमने क्या समझा वितरण डिस्ट्रीब्यूशन तो न्याय का पहला मतलब हमने वितरण समझा इसलिए वितरणकारी न्याय हो गया लेकिन अब सवाल है कि न्याय में क्या और चीजें आती है वितरण कैसे किया जाए क्या मानक लाया जाए किसके फेर में वितरण किया जाए जरा यह भी चर्चा कर लें उसके बाद फिर हम रॉल्स पर आएंगे कि वितरण में प्रक्रिया का महत्व है या परिणाम का महत्व है अब जरा देखें अगली बात हम देखें कि आखिर में ये वितरण ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर न्याय वितरण का नाम है अगर न्याय डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या मानक ध्यान में होना चाहिए तो अब बताइए न्याय में पहले समानता होनी चाहिए या निष्पक्षता पहली इक्वलिटी होनी चाहिए या फेयरनेस न्याय में समानता होनी चाहिए निष्पक्षता आपको हम या दिला दें, जितनी बेसिक बात न्याय है कि इसी बात को रॉल्स ने अपने तरीके से व्यक्त किया है रॉल्स ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो आप नहीं जानते बड़ी बेसिक सी बात है अभी अब तक आपने पढ़ा अच्छा फेयरनेस क्या होता है फेयरनेस क्या है कोई एग्जाम्पल बताइए जहां फेयरनेस की बात आ जाए कौन सा एग्जाम्पल है जहां फेयरनेस की बात आप करेंगे अच्छा बताइए विधि के अनुसार सबको समान मानना फेयर है कि नहीं है के अनुसार सबको समान मानना फेयर है कि नहीं है फुटबॉल में फुटबॉल मैच में अगर रेफरी के द्वारा गोल पर गोल का सिग्नल दिया जाए ये फेयर है कि नहीं है है या नहीं है है? अगर कोई आउट हो जाए तो रेफरी क्या करे आउट दे दे ये फेयर है आउट हो जाए तो उंगली नीचे कर ले अनफेयर है और जब जब सवाल है कि डॉक्टर ट्रीटमेंट करने जाए तो पहले वो देख ले कौन सा पेशेंट ठीक लग रहा है उसका इलाज कर दे जो पेशेंट खड़ोस किसम को लग रहा है उसे निकल जाए फेयर है कि अनफेयर है अनफेयर है और स्वाभाविक रूप में टीचर टीचर पढ़ाने लगे तो एक व्यक्ति एक स्टूडेंट सवाल पूछे तो बताए दूसरा स्टूडेंट पूछे ना बताए फेयर है अनफेयर है इसलिए आप याद रखें घर में एक ही व्यक्ति को सारे मलाई रसगुल्ला मिल जाए बाकी को केवल सूखी रोटी फेयर है या अनफेयर है कहीं भी आप देख लीजिए सरकार के द्वारा कोई स्कीम लागू की जाए एक ही जाति धर्म और वर्ग को मिल जाए फेयर है या अनफेयर है क्या है अनफेयर है इसलिए बड़े ध्यान देने की बात है जब कहा जाता है कि जस्टिस में क्या होनी चाहिए फेयरनेस या अब इसी बात पर विचार करना है जस्टिस से पहले समानता नहीं चाहिए फेयरनेस तो ठीक है फेयरनेस का मतलब है कि क्योंकि जस्टिस में वितरण तो करेंगे तो जस्टिस में वितरण में कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि विराट कोहली को, को इसलिए ज्यादा पैसा मिलना चाहिए बहुत अच्छे क्रिकेटर है ये फेयर है या अनफेयर है कमाल की बात करते हैं? यानी आपको याद दिला दें, फेयरनेस के आधार पर वितरण करेंगे इसका मतलब क्या है भाई एक ही नियम है फेयरनेस फेयरनेस कैसे बनाई जा सकती है पहला प्रक्रिया फेयर हो अच्छा यूपीएससी के एग्जाम की प्रक्रिया फेयर है अनफेयर है फेयर है तो आप ये तो भेदभाव नहीं कर सकते कि पीठ कंप्यूटर ने हमारे साथ बहुत धोखा कर दिया कंप्यूटर कारण मैं एग्जाम पास नहीं कर पाया इसका मतलब है कई बार आप देखेंगे कि प्रक्रिया फेयर है न्याय की प्रक्रिया फेयर है हॉस्पिटल की प्रक्रिया फेयर है अगर आप प्रक्रिया को फेयर बना देंगे तो माना जाता है यही क्या है न्याय प्रक्रिया को अपने फेयर बनाया न्याय हो जाएगा और ये प्रक्रिया फेयर कैसे है जो जैसा करे उसे वैसा मिले इस प्रक्रिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताया नॉजिक ने अगर न्याय निष्पक्षता का नाम है तो याद रखिए, हर विचारक एक दावा करता है वो फेयरनेस की बात करता है और नॉजिक ने ही कहा नॉजिक ने कहा अधिकारिता का सिद्धांत अभी इस रॉल से भी कंपेयर कर देंगे नोजिक ने अपनी किताब लिखी थी सेवेंटी में रॉल से तीन साल बाद लेकिन सवाल यह है कि नौजिक से पूछा गया न्याय क्या है उसने कहा जो जैसा चयन करे जिसका जैसा चयन किया जाए जो जैसा जो जैसा चयन करे और जिसका जिसका जैसा चयन किया जाए यह न्याय है नौजिक ने स्पष्ट कर दिया कि जो जैसा चयन करे और जिसका जैसा चयन किया जाए वो न्याय है तो विराट कोहली ने क्या चयन किया क्रिकेट खेलना है तो उनका चयन बीसीसीआई भी करे या जबरदस्ती टीम में शामिल हो जाए अच्छा बांग्लादेश के खिलाफ कल किसने बिल्कुल धुआं उड़ा दिया इसी चला देना इसी नहीं चला क्या बांग्लादेश के खिलाफ किसने अच्छा स्कोर किया तो उसको पुरस्कार मिलना चाहिए कि नहीं है फेयरनेस फेयरनेस का मतलब है जिसका जैसा समाज के लिए योगदान है उसको उस अनुपात में चीजें मिल जाए ये बात नॉजिक ने कही ये बात सबसे पहले एरिस्टोटल ने कही थी फेयरनेस का मतलब है जिसमें जितनी क्षमता है क्षमता के अनुसार वस्तुएं मिल जाना <coughs> जिसमें जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार वस्तुओं का वितरण कर देना यह क्या है फेयरनेस जिसमें जितनी क्षमता है उसके हिसाब से चीजें मिल जाना है फेयरनेस से इसे नॉजिक का सिद्धांत क्या कहलाता है इंटाइटलमेंट पात्रता अधिकारिता इंटाइटलमेंट पात्रता अधिकारिता इसलिए अगर कोई फिल्म का व्यक्ति है और वो बड़े मकान में रहता है तो उसका इंटाइटल है तो नॉजिक से पूछेंगे जो आदमी फेल हो गया उसका क्या किया जाए उसका उसी के लिए इंटाइटल था वो तो हम उसका क्या करें तो नॉजिक से पूछे कोई आदमी गरीब है बेरोजगार है तो नॉजिक ने कहा स्वयं उत्तरदायी है क्योंकि तो देखो भाई फेयर है नॉजिक से पूछा गया क्या है फेयर है जस्टिस देखो जस्टिस फेयर है जो जैसा करेगा वैसा मिलेगा जो इसका मतलब जो घूम रहा है और जो क्लास में आने के बजाय कबड्डी खेल रहा है तो कबड्डी में सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है और नहीं सक्सेसफुल हुआ हो तो गड़बड़ाएगा मामला इसलिए जो लगातार मेहनत कर रहा है जो लगातार मेहनत कर रहा है उसको चीज़ें मिलनी चाहिए बहुत ध्यान से देखिए जस्टिस फेयर तो है क्योंकि किसी के साथ पक्षपात नहीं किया गया फेयरनेस का मतलब है न किसी को बरीता देना न किसी के साथ भेदभाव करना यही फेयरनेस है लेकिन सवाल यह फेयरनेस तो हो गया लेकिन जो गरीब है वो गरीब होता चला जाएगा जो अमीर है वो अमीर होता चला जाएगा इसलिए अगर फेयरनेस में केवल प्रक्रिया को ध्यान में रखेंगे और कहेंगे सबके लिए जैसा नियम सबके लिए लिए जैसा कानून फेयरनेस का मतलब है यूपीएससी के एग्जाम एक ही पेपर है यूपीएसए के एग्जाम का एक पेपर है उतने ही समय है और सारे कैंडिडेट्स को इन्वाइट किया गया आप उसमें भागीदारी करिए तो अब सवाल है जो पास हो गया वो फेयर जो फेल हो गया वो ही फेयर फेयर किसी ने फेल किया थोड़े वो फेल हुआ हाँ उसको किसी जबरदस्ती एग्जाम न देने दिया जाता अनफेयर कोई रोक लेता अनफेयर जातिलिंग धर्म के आधार पर एग्जाम में भागीदारी न देने दिया जाता अनफेयर तो जस्टिस फेयरनेस है लेकिन आप याद रखिए अगर यही फेयरनेस है तो समाज का संतुलन टूटेगा तो जस्टिस का मूल गुण क्या है समाज में संतुलन बनाए रखना और अगर आप जस्टिस में केवल फेयरनेस रखेंगे बात नहीं बनेगी और यकीन मानिए रॉल्स ने इसी मुद्दे पर विस्तार कर दिया रॉल्स के कई बार शॉर्ट नोट्स भी आया है जस्टिस क्या है फेयरनेस है अच्छा कई जहां जहां आप देखिए सिस्टम में जहां फेयरनेस है वो जस्टिस है जहां फेयरनेस नहीं है निष्पक्षता नहीं तो जस्टिस नहीं इसे न्याय की देवी ने अपने आंखों के सामने पट्टी बांध रखा है न्याय की देवी देखती नहीं कर आदमी कौन है कोई सलमान खान है अक्षय कुमार है या कोई गुदड़ी लाल है न्याय में सब न्याय की देवी ने पट्टी बांध रखा है कि वो किसी को देखना नहीं है जो भी जैसा विधि का उल्लंघन करेगा उसे दंड दिए जाएंगे ये फेयरनेस है लेकिन आप याद रखिए, इसलिए कहा जाता है कि न्याय में फेयरनेस हो समानता ना हो तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा या न्याय होगा यही बा, यही बात थ्रेसी, में थ्रेसी लाठी उसी की भैंस अगर शक्ति का हित ही न्याय है तो समाज में कितने लोग शक्तिशाली हैं? समाज में कुछ ही लोग शक्तिशाली हैं। इसका मतलब है जो भी समाज में प्रतिभाशाली है शक्तिशाली है उसे तो रहने का अधिकार है लेकिन जो समाज में पिछड़ा है वंचित है वो वंचित है तो यह भी फेयरनेस है इसका मतलब है यह बड़ी विसंगति है इसलिए फेयरनेस के साथ न्याय में दूसरा गुण क्या जोड़ा गया समानता इसलिए आपको हम याद दिला दें। कई बार हम न्याय की बात करते हैं फेयरनेस की बात कर देते हैं समानता उसमें नहीं होती लेकिन ऐसा कोई न्याय नहीं हो सकता जिसमें समानता ना हो बिना समानता की न्याय संभव नहीं है इस वजह से अगर न्याय की परिभाषा करना हो तो इक्वलिटी प्लस फेयरनेस न्याय को सीधे दो शब्दों में लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे समानता प्लस निष्पक्षता अब समानता का मतलब क्या है अब समानता के मायने तो यहां पे बदलते हैं लेकिन समानता का सीधा सा मतलब है समाज के वंचित वर्गों को न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर देना समानता का मतलब कदापि नहीं टकासर भाजी, टकासेर खाजा अंधेर नगरी ये समानता का मतलब नहीं है ये कभी नहीं हो पाएगा समानता का मतलब है सभी की परिस्थितियां समान बना देना नहीं समानता का मतलब ये नहीं सभी को घर एक जैसा दे देना सभी का मकान एक जैसा कर देना ये समानता नहीं है समानता का मतलब क्या है प्रत्येक व्यक्ति को समानता का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर देना कौन सी सुविधा प्रदान कर देना मूलभूत बात ध्यान में रखने की है प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर देना यानी हर सुविधा नहीं और मूलभूत सुविधा क्या है शिक्षा स्वास्थ्य न्यूनतम आवास क्योंकि अगर न्याय चयन का नाम है तो परिस्थितियों की न्यूनतम समानता तो होनी चाहिए अगर न्याय चयन का नाम है तो नहीं तो चयन किसका विशेष अधिकार बन जाएगा मुट्ठी भर लोगों का इसलिए आप देखेंगे समानता चाहिए इसका मतलब है भारतीय संविधान की बात करिए अधिकार क्या देता है कि आप चयन करने में समर्थ हैं आर्टिकल 19 आज़ादी दे दिया जीवन का अधिकार दे दिया लेकिन डीपीएसपी पी क्या देता है समानता फंडामेंटलाइट क्या देता है कि भाई सब सब अपना चयन करे अपने हिसाब से जीवन जिए ये फंडामेंटलाइट देता है इसे बार बार कहते हैं भारतीय संविधान सिद्धांत है दर्शन है जो दर्शन व सिद्धांत आप हर जगह देख सकते हैं इसलिए केवल आज़ादी मिल जाए और ये कहते हैं भाई सब क्रिकेट खेल ले तो सब क्रिकेट खेलना चाहते तो कुछ लोग नहीं खेल पाए ऐसे भी लोग तो हैं जो विराट कोहली नहीं बन पाए और अगर छात्र इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं और कहीं असफल हो गए तो उनको एक छोटा सा घर दिल्ली में दे दिया जाए दिया जाए कि नहीं दिया जाए बिल्कुल दिया जाए उनको छोटा सा घर दिया जाए उनके पार्टनर के लिए रहने का स्थान दिया जाए और बड़ी कार नहीं थी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दे दिया जाए उल्लू वाले इलेक्ट्रिक इले स्कूटर जिससे अपने पार्टनर को लेकर घुमा तो सके भाई देखिए बहुत जरूरी है और उनके जो बच्चे हों उनको शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा दे दी जाए इतना ही तो हम मांग कर रहे हैं हमने ये तो नहीं कहा हेलीकॉप्टर चाहिए इसे सच मानिए न्याय कब होगा जब समाज में ये चीजें सभी के पास हो न्याय न्याय का मतलब मैं नहीं कर रहा हूं कि समाज में आप समानता लाइए समानता का मतलब मूलभूत सुविधाएं इन सभी के पास एक इलेक्ट्रिक e व्हीकल होनी चाहिए बाकी भाई जी किसी के पास अगर लग्जरी व्हीकल है तो कमाए खरीदे ये समानता हमने पहले पढ़ रखा था यानी समानता प्लस फेयरनेस क्योंकि कई बार फेयरनेस हो सकता है शक्तिशाली लोगों का समर्थन कर दे क्योंकि फेयरनेस में प्रक्रिया की बात हो रही है और फेयरनेस हो सकता है कि आप कह देंगे राजनीतिक व्यवस्था ठीक है विधि ठीक है तो विधि और राजनीतिक व्यवस्था समाज में ही तो है अर्थव्यवस्था में तो है तो बिना अर्थव्यवस्था और समाज में संतुलन बनाए फेयरनेस नहीं होगा इसलिए न्याय का सीधा मतलब है फेयरनेस प्लस इक्वलिटी अब आप देखिए न्याय में इसेंशियल क्वालिटी क्या है इक्वलिटी ऑफ फेयरनेस न्याय की इसल क्वालिटी क्या है इक्वलिटी या फेयरनेस दोनों अच्छा मालिक एक का चयन करना हो किसका चयन करेंगे किसका अब मालिक दूसरे विकल्प पे देखिए एक तरफ उदारवादी है पूंजीवादी हैं जो कहते हैं कि भाई क्षमता हकदारी पात्रता सबको दे दीजिए क्योंकि नॉजिक से पूछा जाएगा जिसके पास संपत्ति है वो क्या है नॉजिक कहेगा प्रतिभाशाली आदमी है नॉजिक से पूछा जाए इसके पास संपत्ति प्रतिभाशाली आदमी है, है वो बड़ा इंडस्ट्रियस आदमी है वो अक्षय कुमार है वो चार बजे उठता है दिन भर काम करता है और जो गरीब है एक नंबर का आलसी एक नंबर का आलसी है यही बात इनसे पूछा जाए रोल से तो गरीब है रोज का घर में नहीं बूढ़ा भी हो सकता है गरीब है तो बच्चा भी हो सकता है गरीब है तो वंचित वर्ग से भी हो सकता है यानी हर गरीब आदमी काम चोर नहीं होता यह ये, ये कहें मानो तो अपने आप में काम चोर नहीं होता मानव और काम चोर हम तो काम करना ही चाहते हैं सवाल यह पसंद का काम नहीं मिल पाता अगर पसंद काम नहीं मिलेगा तो फ्रस्ट्रेशन होगा फिर इसलिए आप याद रखिए सवाल ये कुछ लोगों ने कहा ना, ना भाई हम समानता रखेंगे निष्पक्षता हो ना हो समानता रखेंगे नॉर्थ कोरिया में समानता गई नॉर्थ कोरिया में कहा गया कोई अमीर नहीं हो पाएगा अगर जिसके पास ज्यादा पैसा आ जाएगा हम छीन के उसको सबको दे देंगे यही माओवादियों ने कहा इसे आप याद रखिए और यही सोवियत संघ में भी आया अगर आप केवल ही कह देंगे समानता जाएगी निष्पक्षता उसमें नहीं रखेंगे इन्हीं सवाल है कि अगर कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति है उसे दंडित करना यह तो न्याय नहीं है अगर कमजोर व्यक्ति को हाशिए से उठा लेना न्याय है तो प्रतिभाशाली व्यक्ति को सम्मानित करना है या दंडित करना है यानी इनक्लूजन किसका होना चाहिए दोनों का या किसी एक का इसलिए आप याद रखिए कई बार हम दावा करते हैं समानता है समानता है समानता है समानता के नाम पर निष्पक्षता नहीं होती और कई बार ऐसा देखा गया है साम्यवादी शासन में यही संतुलन का खराब होना है यही कई बार अन्याय हो जाता है तो इसलिए आपको यह दिला दें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कई बार हम समानता रखने के नाम पर अन्याय कर देते हैं समानता रखने के नाम पर प्रतिभाशाली लोगों का दमन कर देना तो ही गड़बड़ हो जाएगा जैसे कि कई बार साम्यवादी व्यवस्थाओं में या कह दें कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कर दिया गया म्यांमार में एक समय की बात है कि म्यांमार में सैनिकों का शासन आया और भारत के चटियार समुदाय के लोग जो काफी पैसे वाले थे उन सब के पैसे छीन लिए गए जमीनें छीन ली गई और बिल्कुल भगा दिया गया इसलिए आप याद रखिए समानता के नाम पर आप ये कहेंगे कि सबकी संपत्ति छीन कर सब में बांट देना तो पता चला फिर जाके सब गरीब हो गए तो क्या करेंगे फिर किसका बांटेंगे क्योंकि एक बार तो आप समानता बना देंगे इसे समाज में दोनों किस्म के लोग चाहिए न्याय का मतलब केवल गरीब हो जाना ही नहीं है और नहीं समाज में अनावश्यक विषमता होना है इसलिए आप याद रखिए न्याय का पूरा विमर्श रॉल्स का हो किसी का हो इन दो सेंटर के आसपास घूमता रहेगा समानता प्लस निष्पक्षता ये बात स्पष्ट है इक्वलिटी प्लस फेयरनेस अच्छा हमारे सिस्टम में क्या है दोनों है एक है इक्वलिटी कहां से है डीपीएसपी से कल्याणकारी राज्य क्या सुनिश्चित करता है इक्वलिटी निष्पक्षता क्या सुनिश्चित करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूपीएससी जुडिशरी विधि संविधान अच्छा विधि संविधान सब एक के लिए है अलग अलग लोगों के लिए सब एक लेखी है फेयरनेस दोनों चीजें हमारे यहां प्रभावी है इसलिए फंडामेंटल राइट्स फेयरनेस चयन करिए जो जैसा चयन करे जिसका जैसा चयन किया जाए ये न्याय है तो आप फ्री हैं आप मॉडल बनिए क्रिकेटर बनिए हीरो hero बनिए हेरोइन बनिए फ्री हैं आप कुछ भी पहनिए, लेकिन सवाल ये है ये भी जरूरी है कि सब लोगों को न्यूनतम चीज़ें मिल जाएं, उसके बाद सब अपने जीवन के हिसाब से जीवन जिए तो केवल चयन कर लेना संभव नहीं होगा जब तक चयन करने की परिस्थितियाँ ठीक नहीं होगी क्योंकि अब मान लीजिए कि बस्तर जिले के जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को दिया जाए कि तुम्हारे लिए प्रक्रिया पर्याप्त नहीं।, नहीं है क्योंकि हमने कह दिया महिलाओं को यूपीएससी में बैठने का अधिकार है अरे घर से निकल ही नहीं पा रही है तो कहा एग्जाम देंगे इसका मतलब पहले क्या होना चाहिए समानता अब से पहले वाला बड़ा विवाद का विषय हो जाता पहले लेकिन बिना समानता के न्याय नहीं हो सकता और बिना निष्पक्षता के न्याय नहीं इसलिए अब देखिए समानता और न्याय में गया कि नहीं आ गया समानता और न्याय में अंतर संबंध आ गया इसलिए जब अरस्तु से पूछा गया था अरस्तु से पूछा गया न्याय कैसा होगा तो उन्होंने कहा भाई जो समाज में मालिक है पति है उसी का पत्नी पर नियंत्रण न्याय है आप बताइए अरस्तु से पूछा गया कि पुरुष का पुरुष का संबंध महिलाओं पर क्या होना चाहिए उनका महिलाओं में विवेक कम होता है यह अरस्तु कथन है मैं बार बार कह रहा हूं मेरा नहीं मैं तो का विरोधी हूं और आज तो विज्ञान प्रमाणित कर रहा है लेकिन अरस्तु ने ये बात कह दी कि महिलाओं में कम विवेक होता है इसलिए पुरुषों का महिलाओं पर नियंत्रण होना चाहिए ये अपने आप में न तो निष्पक्षता है निष्पक्षता भी नहीं है समानता भी नहीं है तो क्योंकि बिना हमने कोई वैज्ञानिक प्रमाण कैसे कह दिया कि ये इनके पास विवेक नहीं है भैया तो रस्तों कोई अनुसंधान किया होता या क्यों नापा होता कोई सर्वे तो दिखाता ऐसे कह दिया प्रकृति में सब कुछ असमान है समान, इसलिए पुरुष महिला असमान है ये तो बात अजीब सी हो गई इसलिए न्याय में पहला क्या होना चाहिए निसमानता और निष्पक्षता पूरा न्याय इसी इर्द गिर्द घूमता है अब सवाल यह है और हम अगले न्याय बनाते समय व्यक्ति को ही का ही माना जाए समुदाय को और कभी एन सी आर टी की ऐसे मुद्दों पर बड़ी चर्चा करता है किताब ट्वेल्थ की लिखी गई लेकिन सवाल ऐसे ऐसे बच्चा पूछता है कि दिमाग घूम जाता है यही ओपीएससी स्पिरट में काबिलियत होनी चाहिए एनलिटिकल विश्लेषणात्मक हम कैसे पढ़ते न्याय इन्होंने ये कहा उन्होंने वो कहा उन्होंने वो कहा एग्जामिनर कह दे लो ये कहा हमने कमाल की बात हो गई यार अरे अब समझ कोई लिखी कैसे जाती है कोई मूलभूत अवधारणाएं पहले स्पष्ट होनी चाहिए कि न्याय है क्या मैं कह रहा हूं कि बहुत गंभीर बीमारी फैल रही है न्याय का ही मतलब नहीं है फिर तो एग्जामिनर गड़बड़ा देगा लेकिन अब सवाल है वितरण का आधार क्या होना चाहिए मानक क्या होना चाहिए फिर इस पर विवाद है वितरण का मानक क्या होना चाहिए निष्पक्ष प्रक्रिया होनी चाहिए या अपने आप में परिणाम अच्छा होना चाहिए याद रखिए न्याय में अगर हम परिणाम को ध्यान देते हैं तब इसका नाम क्या है तत्वात्मक न्याय शब्द का तत्वात्मक कहिए मौलिक कहिए मूल कहिए समग्र कहिए जो भी आपकी मर्जी है न्याय का मतलब है अगर हम परिणाम को ध्यान में रखते हैं तो ये क्या है इसे क्या कहते हैं तत्वात्मक शब्दों पर अंतर रखिए मतलब हमने सब कुछ पढ़ा और फिर उसने कह दिया तत्वात्मक न्याय के हेत गा गया सबस्टेंटिव जस्टिस तत्वात्मक का मतलब है सबस्टेंटिव सबस्टेंटिव का मतलब मूल समग्र अभी बताइए आरक्षण तत्वात्मक न्याय है या प्रक्रियात्मक यानी आरक्षण क्या है देखिए न्याय में वितरण होगा लेकिन वितरण का मानदंड क्या माना जाए इस बात में हमेशा मतभेद रहा है वितरण का आधार क्या माना जाए आवश्यकता या क्षमता वितरण का आधार क्या माना जाए आवश्यकता या क्षमता आवश्यकता किसके वितरण गरीबों के पक्ष में किया जाए प्रतिभाशालियों के पक्ष में अगर वितरण गरीबों के पक्ष में किया जाए इसका मतलब है परिणाम को ध्यान देंगे परिणाम कैसे होगा जब सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित करेंगे जब समाज में सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित करेंगे तब मामला परिणामों का होगा सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी इसलिए आरक्षण क्यों दिया जाता है समानता के लिए आरक्षण क्यों दिया जाता है क्योंकि जब तक हम सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित नहीं करेंगे तब तक समाज में सभी के लिए चयन की सुविधा नहीं मिल पाएगी तब तक समाज में सभी चयन के लिए समर्थ नहीं हो पाएंगे इससे पहला हम क्या करते हैं सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी किसी परिणाम की समानता का मतलब क्या होना चाहिए परिणाम का मतलब है ये मत देखिए कि किसने कुछ किया या नहीं किया परिणाम का मतलब होता है हो सकता है कोई व्यक्ति गरीब है कोई रोजगार किसी के पास है ही नहीं है अब कि भूमिहीन व्यक्ति को जमीन दे देना परिणामों की समानता है प्रक्रिया की गांव में सौ लोग हैं गांव में सौ लोग हैं और बीस लोग बड़े उद्यमी हैं मेहनती हैं और जमीन सारी बीस ही लोगों के पास है और आपने कह दिया भाई जो जमीन खरीदेगा उसकी जमीन रहेगी जिसके पिता के पास जमीन थी उसके पास जमीन रहेगी अब बताइए इसमें हमने क्या देखा प्रक्रिया हमने कह दिया भाई जो जमीन खरीद लेगा उसकी जमीन जो मकान खरीद लेगा उसका मकान तो हो सकता है कोई पांच मकान भी खरीद ले क्योंकि उसने किसी की जमीन हड़पी नहीं क्योंकि हड़पना तो न्याय में संभव नहीं है ये नौजिक से पूछा गया नौजिक से पूछा गया संपत्ति कोई असीमित अर्जित कर ले क्या करें भी प्रतिभा की बात है नौजिक ने कहा कोई धोखाधड़ी करके संपत्ति अर्जित कर ले या नहीं ये व्यवस्था में पूर्ण नहीं होगा अब आप कहेंगे प्रक्रिया ही निष्पक्ष है तो हो सकता है हो सकता है कि एक ही व्यक्ति के पास पूरी जमीन आ जाए प्रक्रिया तो ठीक है क्योंकि उसने कमाया खरीदा परिणाम कैसा आ रहा है अगर गांव में सौ लोग हैं तो वितरण कैसा होना चाहिए सौ लोगों के जमीनों का वितरण सौ लोगों में कैसा होना चाहिए अरे भाई परिणामों की समानता का मतलब हर व्यक्ति के पास एक न्यूनतम जमीन होनी चाहिए भाई हर व्यक्ति कम से कम पाँच हेक्टेयर हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए हो सकता है किसी के पास ज़्यादा हो जाए तो वो उसकी प्रतिभा क्षमता है लेकिन यही परिणामों की समानता है कि हर व्यक्ति के पास न्यूनतम एक मकान होना चाहिए एक छोटा सा मकान होना चाहिए स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए इसका सीधा सा मतलब है परिणाम के समान कब होंगे जब समाज में न्यूनतम सामाजिक आर्थिक समानता विद्यमान जबकि प्रक्रिया में ऐसी गारंटी नहीं देते प्रक्रिया में हो सकता है केवल किस बात को ध्यान में रखेंगे प्रतिभाशाली लोगों के हितों को प्रक्रिया किस बात का ध्यान रखती है क्षमता का अच्छा एग्जाम कौन पास करता है क्षमता वाला व्यक्ति आपने कहा भाई सेना में दौड़ना है सेना में भर्ती लिए दौड़ना है अग्निवीर बनना है सौ सपाट मारो जिसका हाथ ही नहीं हो कहा सौ सपाट मारेगा अब तो महिलाएं कहा सपाट मारेंगी तो अब बताइए आपने पहले तय कर लिया नहीं सेना में महिलाओं को आधा स्थान देना चाहिए परिणाम की समानता है प्रक्रिया की परिणाम की समानता करने के लिए प्रक्रिया के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे भाई परिणाम का मतलब है हमें पता है कि समाज में यूपीएससी में समाज की सेवाओं में हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए परिणाम हमें पता है हमें ऐसा समाज चाहिए जहां पे हर वर्ग को नौकरी मिले हर व्यक्ति के पास जमीन हो परिणाम मेरे दिमाग में पहले से है इसलिए प्रक्रिया में बदलाव होगा कि नहीं होगा तो फिर आप करना पड़ेगा कुछ लोगों कट ऑफ नीचे करने पड़ेंगे क्योंकि ये आप कह देंगे कि अगर साढ़े नौ सौ कट ऑफ पे कोई व्यक्ति इंटरव्यू देगा तो हो सकता है जो अनुसूचित जनजाति समुदाय का व्यक्ति हो साढ़े नौ सौ कट ऑफ ना कर पाए हमें अनुसूचित जनजाति को लेना ही है इसे मैं क्या करूँगा प्रक्रिया में बदलाव कर दूंगा और ये कहूंगा भाई देखो जनरल कैटेगरी कर साढ़े नौ सौ एस सी एस टी का तो साढ़े सात सौ बदलाव किया कि नहीं हमने क्योंकि समाज एक चेन है समाज एक जंजीर है जिसकी कोई भी कड़ी कमजोर होगी तो समाज कमजोर होगा अब एक ही कहने के तरीके हैं क्या तत्वात्मक न्याय को तत्वात्मक न्याय को आप यह भी कह सकते हैं सामाजिक आर्थिक न्याय कहा जा सकता है आरक्षण की बात कहां से है तत्वात्मक न्याय से है आरक्षण की बात कहा है तत्वात्मक न्याय से निदेशक तत्वों में क्या है तत्वात्मक न्याय महिलाओं को आरक्षण दे देना क्या है तत्वात्मक न्याय अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण क्या है तत्वात्मक न्याय मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरक्षण पर देखिए पॉलिटिक्स तो हर जगह है अपने अपने, अपने इंटरेस्ट आ जाते हैं लेकिन ये सब समानता और न्याय स्थापित करने के तरीके हैं क्योंकि याद रखे अगर गांव की पूरी संपत्ति दो व्यक्तियों के हाथ में आ गई असंतुलन पैदा होगा और ये बात प्लेटो ने कह रखा था रिपब्लिक में कि यूनानियों के छोटे छोटे नगर राज्य दो प्रकार के नगर राज्यों में बटे हुए थे एक अमीरों का राज्य दूसरा गरीबों का राज्य और इसलिए कई बार आप देखते नहीं मुखर्जी नगर इधर रहिए और उसके बाद गोपालपुर जाइए अंतर देखता है कि नहीं आपको असंतुलन है या नहीं है सामंजस्य न्याय है या इंबैलेंस? आपके शरीर में अगर इम्बैलेंस हो गया तो मामला फिर है। इस लाल पैथ पे हम चेक करना जाते हैं भाई देखो क्या क्या कम है क्या क्या बॉडी में ज़्यादा ज़्यादा है 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 तो डॉक्टर बताता है, ये हो गया है। इसको नीचे लाओ इसीलिए हम परिणामों की समानता करेंगे लेकिन प्रक्रिया बनाकर प्रक्रिया एकदम खत्म कर दी जाए या रखी जाए प्रक्रिया प्राथमिक बनाई जाए परिणाम और क्या ऐसा संभव प्रक्रिया को ही प्राथमिक बनाकर यानी प्रक्रिया निष्पक्ष तो परिणाम निष्पक्ष ऐसा हो सकता है प्रक्रिया निष्पक्ष तो परिणाम निष्पक्ष ऐसा हो सकता है हो सकता है नहीं हो सकता है यही हमारे न्याय में पूरा विमर्श रहेगा अब एग्जामिनर क्या पूछेगा जैसे अब स्टेट एग्जाम में कैसे पूछा जाता है मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि यूपीपीसी में न्याय के सिद्धांत पर अपना मत व्यक्त करिए बात देखने बड़ी छोटी सी है बड़ा खतरनाक सवाल है न्याय के सिद्धांत पर अपना मत व्यक्त करिए सो करिए प्लेटो से खत्म करिए रॉल्स पर निष्कर्ष लिखिए नारीवादियों का और सबसे ज्यादा बल होना चाहिए रॉल्स में अभी आपकी विषय की समझ है आजादी पर पूछा जाए बर्लिन नहीं लिखा विषय आप नहीं जानते न्याय पर पूछा जाए रॉल्स आपने लिखा ही नहीं इसका मतलब सब्जी बना दिया ना मसाला डाला ना नमक डाला मामला गड़बड़ा गया इसलिए जिसे आप कहते हैं जो अभी स्टेट एग्जाम में जो सवाल आपको देखती है बच्चे स्टेट एग्जाम बहुत खराब करके चले जाते हैं सवाल उनको बड़ा सरल सा दिखता है तो वहां तो बात ठीक है और सवाल जितना सरल है उत्तर लिखने के चैलेंज उतने बड़े हैं न्याय में इसी बात का विमर्श होगा तो फिर आपको बता दें कि न्याय का पूरा मूल क्या उद्देश्य क्या है आपको लास्ट में फिर एक बार समाप्त कर दें फिर हम रॉल्स की तरफ आएंगे न्याय का पूरा मूल उद्देश्य क्या है वितरण करना सामंजस्य बनाना सामंजस्य बनाने में अलग अलग तरीकों का प्रयोग किया गया पहले नैतिकता फिर विधि फिर संसाधनों का वितरण इसी आज का न्याय क्या कहलाता है सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस न्याय तो सच में सामाजिक ही होना चाहिए समूह का नहीं होना चाहिए बहुमत का नहीं व्यक्ति का नहीं क्योंकि वितरण में तो समाज में लोग रहते हैं और जब तक लोगों के बीच संतुलन सामंजस्य नहीं होगा तब तक सामाजिक न्याय नहीं होगा अब फिर मुद्दा है कि न्याय में समानता हो या निष्पक्षता और आपको याद बिल्कुल यही सारी चीजें रिपीट करूंगा और न्याय में क्या होना चाहिए समानता या निष्पक्षता दोनों और वितरण कैसा होना चाहिए केवल प्रक्रिया को ध्यान कर केवल परिणाम को अब मालिक आरक्षण की मात्रा में 90 परसेंट कर दी तो क्या हम प्रक्रिया फेयर रही है अनफेयर हो गई अनफेयर हो गई आरक्षण जो डिजर्व नहीं करता उसको दे दिया क्योंकि आजकल तो इस समस्या आरक्षण की नहीं है समस्या उसके मिसयूज़ को है उसके राजनीतिक दुरुपयोग को लेकर है इसलिए आरक्षण की सारी बहस अगर आपको लिखना हो सुप्रीम कोर्ट के सारे डिसीजन आप देख जाइए इंदिरा साहनी केस ये जितने भी आपके वाद आ रहे हैं उस सब इसी स्वतंत्रता समानता के वाद पर ही तो अपने निर्णय दे देते हैं सारी बातें आर्गूमेंट बेस होते हैं ये बेसिक मुद्दा है